कुणाल चौधरी का बयान। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुणाल चौधरी ने जारी बयान में कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, मोदी जी से 2700 रुपए में गेहूं खरीद की बात कही है, शिवराज जी ने 2100 रुपए में मिट्टी भी खरीद लेने की बात कही, परंतु आज सोसाइटी में किसानों को गेहूं में मिट्टी और धंधूरा होने की बहानेबाजी करके चलाता किया जा रहा है। वही प्रश्न है कि गेहूं में क्या मिट्टी और धंधूरा नहीं तो क्या हाथी घोड़े आएंगे। किसानों और जनता से आग्रह किया, भाजपा की झूठी गारंटी का जवाब भाजपा नेता से मांगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार में जो मोदी जी गारंटी देके गए थे कि 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीद लेंगे, शिवराज जी ने कहा था कि 2100 रुपए कुंटल तो मिट्टी खरीद लेता। आज सोसाइटियों में जो गेहूं आ रहा है, अति वर्षा के कारण लोगों को मालूम है कि असमय वर्षा के कारण गेहूं का कलर खराब है, थोड़ी बहुत आड़े पड़ने के कारण हार्वेस्टर से मिट्टी आती है, और जब सोसाइटियों पे लेके जाते हैं तो कहते हैं कि सरकार ने निर्देश दिए कि खरीद नहीं पाएंगे। 2700 की बात कर रहे थे, आज सोसाइटी में गेहूं नहीं खरीद रहे और बता रहे कि मिट्टी और धंधूरे आ रहे हैं। अरे गेहूं में मिट्टी नहीं आएगी तो क्या धंधूरे नहीं आएंगे, तो क्या हाथी घोड़े आएंगे। स्पष्ट है ये सरकार नीति नियत छोड़े और झूठ बोलना छोड़े और चंद उद्योगपतियों के जवाब में जो किसानों की हत्या करने पे तुली है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। और स्पष्ट रूप से मेरा किसानों से आग्रह, सरकार को जवाब दे, झूठी गारंटी ली और आज किसान की फसलें नहीं तोड़ रही है, इसका जवाब इनसे ले। स्पष्ट रूप से इनको सबक सिखाने का काम जनता करे।